जब प्रकाश वेव की फॉर्म में चलेगा एक जगह से दूसरी जगह तक, तो ये तरंगाग्र ही हैं जो आगे जाएंगे। जैसे न्यूटन ने जब कणिका सिद्धांत बताया था तो उनके एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा कौन, उन्होंने क्या बोला था, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जाएंगे जिन्हें उन्होंने कणिकाएं बोला हुआ था, कॉर्पसल्स जाएंगे। ऐसे ही इसमें जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों में मैक्सवेल ने बताया कि जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी तो चल के कौन जाएगा, उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र चल के जाएंगे, ये बात आई हुई थी। ऐसे ही हाइगिंस के तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है, हाइगिंस ने जो बताया कि लाइट वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपेगेट होगी, उसमें चलेगा कौन, तो आंसर है उसमें वेव फ्रंट चलेगा। अब लाइट के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हाइगिंस ने अपने तरंग सिद्धांत की कुछ खास चीजें, जिसके बेसिस पर हम वेव थ्योरी को लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे, और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी के हिसाब से हम लाइट की प्रॉपर्टीज को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसकी कुछ बातें उन्होंने मानी कि जो वेवलेट्स होंगी, जो तरंगे होंगी या जो तरंगाग्र होंगे, उनके बारे में कुछ चीजें उन्होंने मानी, और उन्होंने दो तीन पॉइंट बनाए, और उनका ये आर्टिकल बना हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स, प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो प्रिंसिपल उन्होंने बनाया, ये उन्होंने माना कि जब तरंगाग्र आगे बढ़ेगा तो उससे संबंधित कुछ चीज उन्होंने मानी, ये कोई ऐसा होगा जरूरी है ऐसा नहीं है, उन्होंने माना उस वक्त। और जब भी हम लाइट के किसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे, हम इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेंगे वेव फ्रंट के लिए। पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला लिखा हुआ है किसी भी दिए हुए क्षण पर, मतलब किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर कोई हमसे बोलेगा तो उस टाइम पर तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करता है। कोई भी वेव फ्रंट है उसका जो हर पॉइंट है, वेव फ्रंट एक सरफेस होती है, सरफेस पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं, और वो असंख्य बिंदु, सारे के सारे बिंदु ना, एक नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करते हैं। नए प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत का काम क्या होता है, प्रकाश स्रोत का कार्य होता है लाइट को ऐसा चारों तरफ बिखेरना, लाइट का चारों तरफ फैलाना। जैसे बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जलती है, तो ये लाइट को क्या करते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। तो प्रकाश स्रोत का काम ये लाइट को चारों तरफ बिखेरना, ऐसा फैला देना। तो किसी भी वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु, वेव फ्रंट जैसे कि मैंने बोला एक सरफेस होती है, उस पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, उस सारे के सारे पॉइंट्स एक नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करेंगे, मतलब वो खुद लाइट बिखेरेंगे चारों तरफ। इन्हें द्वितीयक प्रकाश स्रोत कहा जाता है, सेकेंडरी सोर्स कहते हैं इन्हें, सेकेंडरी लाइट सोर्स, ठीक है। तो कोई भी वेव फ्रंट जैसे होगा, वेव फ्रंट जिसे मैं आपको यहां पर एक फिगर बना के दिखाऊं, ये मैंने मान लिया लाइट का एक सोर्स है। लाइट का ये सोर्स किस तरीके का है, आंसर है लाइट का ये सोर्स पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनते हैं आपने लास्ट क्लास में देखा वो किस तरह के बनते हैं, आंसर है गोलीय बनते हैं, स्फेरिकल बनते हैं। अब हम स्फेरिकल बना के तो नहीं दिखा सकते, पर आप सोच सकते हैं उसको चारों तरफ। ये अगर लाइट का एक सोर्स है छोटा सा, ये सोर्स है लाइट का, तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर निकालेगा, ऐसा नहीं है, चारों तरफ इसके ऐसा वेव फ्रंट बनेंगे, और वो वेव फ्रंट कैसे होंगे, गोलाकार, स्फेरिकल। हम तो यहां पर केवल सर्कुलर बना पाते हैं, स्फेरिकल नहीं बना पाते, पर आप सोच सकते हो इसको। ये एक वेव फ्रंट बना, ये लाइट सोर्स था, इसका ये वेव फ्रंट बना। अब इन्होंने बोला किसी भी क्षण तरंगाग्र का हर बिंदु, ये सरफेस है, और इस पूरी सरफेस पर असंख्य बिंदु पड़ेंगे, असंख्य बिंदु होंगे यहां पर, हम उन सभी बिंदुओं को आपको दिखा नहीं सकते, इतने सारे पॉइंट्स होंगे इस सरफेस पर, और ये सारे के सारे असंख्य बिंदु कौन सा काम करेंगे, नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करेंगे, और इन सारे प्रकाश स्रोतों को क्या बोला जाएगा, द्वितीयक प्रकाश स्रोत। इसको क्या बोलेंगे, ये मूल प्रकाश स्रोत है,
ये मूल प्रकाश स्रोत है जहां से लाइट एक्चुअली निकल रही है, और ये जो है ये भी प्रकाश स्रोत की तरह काम करेंगे, पर इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी लाइट सोर्स, बाकी इसके बाद सारे के सारे कैसे होंगे, सेकेंडरी लाइट सोर्स हो जाएंगे। अब अगर ये लाइट सोर्स की तरह काम करेंगे तो लाइट सोर्स का काम होता है चारों तरफ लाइट को बिखेरना, चारों तरफ लाइट को फैलाना, तो ये चारों तरफ लाइट को फैलाएंगे कैसे, ऐसे जैसे ये लाइट सोर्स ने चारों तरफ अपनी लाइट फैलाई है, वैसे ये लाइट सोर्स भी अपने चारों तरफ लाइट को फैलाएंगे इस तरह से, ऐसे। ऐसे अब देखो, हमने अभी इतनी दूर दूर लाइट सोर्स माने हैं, इतनी दूर दूर लाइट सोर्स माने, तो ये उनकी लाइट निकल रही है, क्या यहां पर कोई लाइट सोर्स नहीं होगा? आंसर है अगर ये एक वेव फ्रंट है तो जरूर यहां पर भी लाइट सोर्सेज होंगे। आपको लिखा गया है देखो पॉइंट पे कि जितने भी पॉइंट इस वेव फ्रंट पर पड़ जाएंगे हर बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत का काम करेगा, तो ये भी अपनी लाइट ऐसा निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि ये अपनी लाइट्स को नहीं निकालेंगे, ये भी अपनी लाइट ऐसे निकालेंगे। पर अब बहुत ज्यादा तो हम नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा बना देंगे तो आपको फिगर भी समझ में आना बंद हो जाएगा, काफी फिगर कंजेस्टेड हो जाएगा उस वक्त, इस तरह से। ऐसे तो इस तरह से बहुत सारे लाइट सोर्स होंगे और हर लाइट सोर्स चारों तरफ फिर से अपनी लाइट निकालेगा, तो ये सब सेकेंडरी लाइट सोर्स है। अब देखो ये वेव फ्रंट बनाए कि नहीं बनाए आपने, ये जो वेव फ्रंट्स है ना, ये वेव फ्रंट्स में भी जितने भी बिंदु हैं फिर से वो सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे। अब देखो आप ये सोच सकते हो कि ये प्राइमरी सोर्स था, ये सेकेंडरी सोर्स बने, तो क्या ये जो होंगे ये टर्शरी सोर्स बनेंगे या सेकेंडरी ही रहेंगे? आंसर है प्राइमरी सोर्स एक होगा, इसके बाद जितने वेव फ्रंट बनेंगे उसमें जितने पॉइंट्स होंगे उसमें जितने लाइट सोर्स बनेंगे वो सब सेकेंडरी होंगे, फिर इसके बाद वो चाहे बनते बनते यहां तक चला जाए लेकिन सबको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में जब आपको सबसे पहली कॉपी मिलती है वो होती है ए कॉपी, याद है ना आपको? इसके बाद आप जितनी कॉपियां लेते जाते हैं उसमें से ये नहीं होता कि पहली कॉपी ए कॉपी थी, दूसरी बी है, फिर सी है, डी है। मैंने देखा है बच्चे बहुत सारे कर देते हैं कभी कभी ऐसा, लास्ट में ऊपर कॉपी को सिल के धागे से और ऊपर लिख देते हैं, बोल टीचर बोलते हैं उनको कि लिख दो, तो वो लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। किसी बच्चे ने अगर पांच कॉपियां भरी हैं तो वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कॉपी लिख देता है, ये गलत है, नहीं सही है, ई कॉपी होती नहीं है। ठीक है, अगर ई होती है तो 26 कॉपियों के बाद कौन सी कॉपी आएगी? मान लीजिए किसी बच्चे ने एक दिन 27 कॉपियां भर दी किसी एग्जाम में, तो जेड के बाद कौन सी कॉपी आएगी? इसलिए कोई कॉपी बी के अलावा कोई कॉपी नहीं होती, जो सबसे पहले दी जाती है वो कॉपी ए होती है। इसके बाद अगर आपने चार कॉपियां और भरी है तो फिर यहां पर लिख दिया जाता है 4B, मतलब ए कॉपी एक है, बाकी बी कॉपियां कितनी है, चार। तो यहां पर क्या है, आपने देखा कि मूल सोर्स एक होगा प्राइमरी सोर्स, इसके बाद जितने सोर्स बनेंगे उन सब का नाम सेकेंडरी सोर्स होगा, टर्सरी, इसके बाद फोर्थ फिफ्थ, ऐसा कोई सोर्स नहीं आएगा, समझ आ रहे हैं आपको? इसके बाद बाकी सब सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे। तो ये चीज यहां, और ये सब सोर्स को नाम क्या रखेंगे, द्वितीयक प्रकाश स्रोत। आई होप कि पहला पॉइंट आप समझ गए, ठीक। सेकेंड पॉइंट पे देखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, द्वितीयक प्रकाश स्रोत से स्रोत भी मूल प्रकाश स्रोत की भांति अपनी अपनी प्रकाश तरंगे स्वयं उत्पन्न करते हैं। मतलब जो ये सेकेंडरी लाइट सोर्स थे, ये सेकेंडरी लाइट सोर्स अभी के इनके बीच में यहां पर भी लाइट सोर्स होंगे क्या? बेशक हर पॉइंट लाइट सोर्स की तरह काम करेगा, पर मैंने बोला ना मैं उतने बना नहीं सकता हूं क्योंकि इतने में ही फिगर आप देख सकते हैं कितना हो गया है कॉम्प्लेक्स। तो ये द्वितीयक प्रकाश स्रोत भी जो सेकेंडरी लाइट सोर्स होंगे, अब आप समझ रहे हैं सेकेंडरी लाइट सोर्स कहां पर होगा, वेव फ्रंट पे, मूल प्रकाश स्रोत की भांति यानी कि प्राइमरी लाइट सोर्स की तरह
अपनी अपनी प्रकाश तरंगें स्वयं उत्पन्न करेंगे, ये भी अपनी अपनी लाइट निकालेंगे। द्वितीयक प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न इन प्रकाश तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। बेसिक जो प्राइमरी सोर्स था उससे जो प्रकाश तरंगें निकली थी वो प्राइमरी वेवलेट्स थी, तरंगिकाएं कहते हैं, वेवलेट्स बोलते हैं इनको, याद रखिएगा। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट्स कहा जाता है इनको। तो जो प्राइमरी सोर्स है उससे जो लाइट्स निकलती है, जो वेव्स निकलेंगी, उन्हें हम प्राइमरी वेवलेट्स बोलेंगे, प्राथमिक तरंगिकाएं। लेकिन इसके बाद जो द्वितीयक प्रकाश स्रोत होंगे उनसे जितनी भी लाइट निकलेंगी, जितनी भी लाइट वेव्स आएंगी, वो सब सेकेंडरी वेवलेट्स कही जाएंगी, द्वितीयक प्रकाश, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाएगा उनको। द्वितीयक तरंगिकाओं की तरंग दैर्ध्य, अब मन में क्वेश्चन आता है कि जैसे यहां से जब लाइट चली थी, जो हमारा प्राइमरी सोर्स था, इससे लाइट चली, उस लाइट की अपनी कोई वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्ध्य, उसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी रही होगी, उसकी अपनी कोई स्पीड रही होगी, ठीक है, उसकी कुछ था, ये तीनों गुण उसके पास थोड़े थोड़े थे, जितने भी थे वो उनके पास वैल्यूज थी। जब सेकेंडरी लाइट को आपने बताया कि ये पॉइंट भी लाइट सोर्स की तरह काम करेंगे और ये पॉइंट भी अपनी अपनी लाइट बाहर निकालेंगे, तो क्या इनसे जो लाइट निकलेगी उस लाइट में और प्राइमरी सोर्स से निकलने वाली लाइट में क्या डिफरेंस होगा? क्या वेवलेंथ अलग होगी, क्या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, या स्पीड अलग होगी? आंसर है कुछ अलग नहीं होगा। सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड। अगर प्राइमरी सोर्स से निकलने वाली लाइट की स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड भी, या सेकेंडरी लाइट सोर्सेस से निकलने वाली जो वेवलेट्स हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, उनकी स्पीड भी सेम 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। जो प्राइमरी सोर्स से निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी है वही सेकेंडरी सोर्स से निकलने लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी। जो प्राइमरी सोर्स से निकलने वाली लाइट का वेवलेंथ है वही सेकेंडरी लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ होगी, कुछ अलग नहीं होगा। द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है, द्वितीयक तरंगिकाओं की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा चाल मूल तरंगिकाओं के ही समान होती है, प्राइमरी वेवलेट्स के ही समान रहती हैं बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो सेकेंडरी वेवलेट है ये थोड़ा धीमा चलेगी, ये 2.8×10⁸ मीटर पर सेकेंड चलेगी, ऐसा कुछ नहीं, और आगे जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, नो। थर्ड, यदि किसी क्षण इन द्वितीय तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ बनाया जाए तो यह पृष्ठ उस क्षण एक नए तरंगाग्र का कार्य करता है। अब देखिए आपने क्या किया, इस प्राइमरी सोर्स का एक आपने ये वेव फ्रंट बनाया, वेव फ्रंट बनाया मतलब तरंगाग्र बनाया आपने। अब अगर हम आपसे पूछें कि एक और वेव फ्रंट, अगला वेव फ्रंट कहां पर होगा वो बताइए, तो इस थर्ड पॉइंट में हमें ये जानकारी दी जा रही है कि अगर हम किसी भी क्षण, देखिए क्योंकि यहां से जो लाइट्स निकलेंगी बेटा ये धीरे धीरे, ऐसा तो है नहीं कि बस इतना बड़ा छल्ला बन के रह जाएगा, ऐसा होगा क्या? जब आप बल्ब जलाते हो तो क्या ऐसा यहां तक लाइट फैलती है उसके बाद रुक जाती है? वो तो लगातार फैलती रहेगी ना। ये तो हम आपको दिखा, इसमें बना के दिखाए हैं, तो कोई वीडियो वैसे तो है नहीं कि चल रही है लाइट वेव्स ऐसा दिखाई दे आपको, हमने बस इतना बड़ा बना दिया। तो वही आपसे बोले, अरे किसी क्षण अगर आपसे कोई पूछे कि अगला वेव फ्रंट कहां पर है, अगला वेव फ्रंट बनाइए, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने बताया है पूरी चीज कि यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ बनाया जाए, किसी भी वक्त कोई भी आपसे कहे कि इसका नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाइए, तो आप उस क्षण क्या करोगे? इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ बना दीजिए। यह जो पृष्ठ बनेगा उस क्षण एक नए तरंगाग्र का कार्य करता है। मतलब यह सब द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, अगर इन सब को स्पर्श करता हुआ हम एक पृष्ठ बना दें, ऐसा इनका हम एनवलप खींच दे, ऐसा सबको टच करता हुआ एक सरफेस, ऐसे तो ये जो सरफेस आप देख रहे हैं एक पृष्ठ बनेगा गोलाकार, फिर से सर्कुलर नहीं बनेगा, सर्कुलर तो बोर्ड पे आपको दिखा पा रहे, ऐसा गोलाकार बनेगा। तो ये जो होगा ना ये फिर से एक वेव फ्रंट बन गया, देखो
देख रहे। अब अगर ये वेव फ्रंट बन गया तो फिर से फर्स्ट रूल पे आ जाइए, अगर ये वेव फ्रंट है तो इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, फिर से एक न्यू लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। उस लाइट सोर्स का नाम क्या होगा? सेकेंडरी लाइट सोर्स, टर्सरी नहीं, सेकेंडरी लाइट सोर्स। समझ आया? अब अगर ये सब एक नए लाइट सोर्स की तरह काम करेंगे तो ये लोग फिर से अपनी लाइट, अपनी अपनी लाइट बनाना शुरू कर देंगे और चारों तरफ वो लाइट बिखरना शुरू हो जाएगी, फैलना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे चारों तरफ इनकी लाइट बन के निकलना शुरू हो जाएगी फिर से। इस तरह से और भी बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हम सब पॉइंट्स निकालेंगे तो पहले जैसा फिगर बन जाएगा। अब ये भी सेकेंडरी वेवलेट्स फिर निकलने लगी देखो, और सेकेंडरी वेवलेट्स किस तरफ निकलेंगी? ऐसा बाहर की तरफ निकलेंगी कि अंदर भी रहेंगी? अंदर भी, चारों तरफ वो तो निकलेंगी, हम केवल आगे वाली ले लेते हैं, वो अलग चीज है। अब अगर फिर से हमको कोई पूछे कि नेक्स्ट वेव फ्रंट कहां पर है, नेक्स्ट वेव फ्रंट कहां पर है, तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट वेव फ्रंट है फिर से ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ना, इनको स्पर्श करता हुआ फिर से आप एक सरफेस बना दीजिए ऐसा, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट मिल जाएगा आपको। ये नेक्स्ट वेव फ्रंट आ गया, देखो ये नेक्स्ट वेव फ्रंट आ गया, फिर से आप यहां पर आ जाइए। वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह काम करेगा, फिर वो चारों तरफ लाइट फैलाएगा और फिर से किसी क्षण अगर कोई पूछेगा अगला वेव फ्रंट कहाँ है, फिर से उनको टच करता हुआ एक सरफेस बना देंगे हम। ये बिल्कुल वैसे जैसे आपने कद्दू देखा है, कद्दू पूरा कद्दू का फल है, उसमें बीच बीच में आप देखा ऐसे बॉर्डर जैसे निकला रहता है, अगर पूरा कद्दू का फल आप देख रहे हैं तो। अब बीच बीच में कैसा है? ऐसा उभरा हुआ है, फिर थोड़ा दबा हुआ है, फिर उभरा हुआ, फिर दबा हुआ है, फिर ऐसा उभरा हुआ, फिर दबा हुआ, फिर उभरा हुआ, फिर दबा हुआ, ऐसा बना है। अब हमने क्या किया, एक कपड़ा लिया या पॉलीथीन कोई ले ले और इसके ऊपर पॉलीथीन ऐसे चढ़ा दिया, कस के लैमिनेट कर दिया इसको। अब जब लैमिनेट आप कर देंगे तो वो क्या करेगा? वो इसको 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 टच करता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा? वो लैमिनेशन जो आप कर देंगे वो एक सरफेस बना लेगा ऊपर अपनी, वो जो सरफेस बना लेगा वो सरफेस नया लाइट वो वेव फ्रंट बन गया। तो ये इस तरीके की यहां पर आएगा। आप और भी देख सकते हैं, जैसे मैं प्लेन सोर्स में आपको दिखाऊं, ये लाइट का एक प्लेन सोर्स है मैंने मान लिया। अब अगर ये सोर्स है तो इसमें से ऐसा चारों तरफ ऐसा लाइट्स निकलेंगी, प्लेन वेव फ्रंट मैंने मान लिया है। अगर ये प्लेन वेव फ्रंट है तो इसका हर पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा? एक नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। हमने इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 केवल पॉइंट्स बनाए हैं, असंख्य बिंदु होंगे और उन असंख्य बिंदुओं में से सारे के सारे अपना अपना लाइट सोर्स बन जाएंगे और सबसे लाइट्स निकलेंगी बाहर की तरफ। मैंने केवल इतने ही बनाए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं बना पाऊंगा, असंख्य आप कहें तो बनाएंगे तो हम बनाते ही रहेंगे, जिंदगी भर बनेंगे नहीं कभी वो तो पूरा। अब अगर कोई हमसे पूछेगा कि इस क्षण मुझे नेक्स्ट वेव फ्रंट बताइए कहां पर पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे? इन सबको स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ बना देंगे बस। लेकिन याद रहे, ऐसा सरफेस बनाइए जो सबको स्पर्श करता हुआ जाए, सबको टच करता हुआ जाए, एक कॉमन टेंजेंट आप बोल सकते हैं, कॉमन टेंजेंट, एक ऐसी टेंजेंट जो सब में कैसी हो, कॉमन। इसके पहले कभी कॉमन टेंजेंट आपने बनाई है? नहीं बनाई, बनाई है कि नहीं बनाई है? पता नहीं कितनी जल्दी भूल जाते हो आप लोग, क्लास टेंथ में, टेंथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने, कि ऐसे जंप कर दिया आपने, पढ़ा है ना क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स में, आप याद करिए आपने कॉमन टेंजेंट्स बनाई है, एक सर्कल यहां दिया जाता था, एक सर्कल यहां है, आपने ऊपर ऊपर ऐसे बनाई है कॉमन टेंजेंट, और उभयनिष्ठ ऐसा कुछ बोलते थे उसको, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, फिर उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्श रेखाएं भी आपने बनाई है, इधर से ऐसे इसको मिला के ऐसा बनाया था, याद आया? आपने उस वक्त सोचा था, उस वक्त आपने सोचा नहीं होगा कि पता नहीं आगे कब जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप देखिए हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स का जो प्रिंसिपल है उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। उस वक्त तो टीचर को आपने बहुत
भला बुरा का होगा, पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं ये लोग, और इसकी जरूरत भी पड़ेगी जिंदगी में कि नहीं पड़ेगी, लेकिन आप देखिएगा जरूरत पड़ रही है। सबको स्पर्श करता हुआ क्या बनाना है, मुझे एक सरफेस बनानी है। हम पीछे नहीं बनाएंगे, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन पे बनाएंगे। ये देखो बना दिया मैंने, अब आप देखिए ये नया वेव फ्रंट आ गया। अब इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, अगेन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस वेव फ्रंट विल बिकम अ न्यू लाइट सोर्स, एक नया लाइट सोर्स होगा। अगर नया लाइट सोर्स है तो फिर से वो अपनी अपनी लाइट चारों तरफ ऐसे निकालेंगे इस तरह से, फिर से अगर अगला वेव फ्रंट आपको चाहिए तो इनको स्पर्श करता हुआ एक सरफेस बनाइए। फिर ये जो सरफेस बन गया ये क्या बना, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट बन गया। ये वेव फ्रंट था, ये वेव फ्रंट था, अब ये वेव फ्रंट का हर पॉइंट फिर से क्या बन गया, एक नया लाइट सोर्स बन जाएगा। हर पॉइंट इसका नया लाइट सोर्स बन जाएगा तो चारों तरफ फिर लाइट निकालना शुरू कर दिया। फिर से हमने पूछा अगला वेव फ्रंट बताइए, तो ये जितने भी सेकेंडरी वेव्स हैं इन सबको स्पर्श करता हुआ फिर हमने एक सरफेस ऐसा बना दिया। सरफेस बनाया तो ये अगला, ये फिर से एक नेक्स्ट वेव फ्रंट तैयार हो गया, न्यू वेव फ्रंट। ये भी वेव फ्रंट था, ये भी वेव फ्रंट था, ये भी वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है, इस तरीके से। बस इतनी सी बात उन्होंने बताई हाइगेंस ने, और बोला कि इन इन रूल्स को लेकर के ही आप जब भी लाइट के किसी भी गुण को, लाइट के किसी भी कैरेक्टर को अगर आपको व्याख्या करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप इन गुणों का इस्तेमाल करिएगा। वेव्स के फॉर्म में चलेगा लेकिन इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करोगे और लाइट के किसी भी कैरेक्टर को ना आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अब हमने क्योंकि रूल भी पढ़ लिया, और पहले हमने क्या किया था, इससे पहले जो पिछली क्लास पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने सब बातें जो देखी थी उनसे हम ये मानने पर मजबूर हो गए थे कि लाइट लगता तो है कि लाइट किसकी तरह चलती है, वेव की तरह, पर अभी भी सब लोग पूरी तरह से मान लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। और कब तक, मैंने आपको बोला कि जब तक आप प्रूफ करके नहीं दिखा देंगे, तो अब वक्त आ चुका है, क्योंकि हमने रूल्स भी पढ़ लिए, तो अब वक्त आ चुका है लाइट की एक एक प्रॉपर्टी को लिया जाए और हाइगेंस के वेव थ्योरी से वन बाय वन प्रॉपर्टी को हम क्या करते जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो लाइट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, कि लाइट में परावर्तन होता है, लाइट में अपवर्तन होता है, लाइट में व्यतिकरण होता है, लाइट में विवर्तन होता है, लाइट में ध्रुवण होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। उनके अकॉर्डिंग, उन प्रॉपर्टीज को हम हाइगेंस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी लेते जाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। अगर एक्सप्लेन हो गया, अगर लाइट की सारी प्रॉपर्टीज हाइगेंस की वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो गई तो क्या होगा, आंसर है फिर सब लोग मान लेंगे कि हाइगेंस की वेव थ्योरी कैसी है, सही, अर्थात लाइट किसकी तरह चलती है, वेव की तरह। और अगर नहीं हो पाया तो भी सब लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कि लाइट वेव की तरह नहीं चलती है और हाइगेंस की वेव थ्योरी कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब देखते हैं सही हुई कि गलत हुई, ठीक है। तो आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए, और हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज लेते हैं परावर्तन अपवर्तन। तो पहले परावर्तन को एक्सप्लेन करके आपको दिखाएंगे, और परावर्तन में सबसे मेन पॉइंट क्या होगा जिसे आप स्ट्रेस करके देखना चाहते हैं, कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये करके आपने दिखा दिया तो, क्योंकि ये परावर्तन का नियम है, अगर आपने परावर्तन के नियम को प्रूव कर दिया इसका मतलब वेव थ्योरी से आपने परावर्तन को प्रूव कर दिया। तो आप इसको नोट करिए, हम उस परावर्तन को प्रूव करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमने लिखा हुआ है हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। हम लाइट का जो रिफ्लेक्शन, उसका एक कैरेक्टर है लाइट का, उसको एक्सप्लेन करेंगे, बट नॉट विद द रे ऑप्टिक्स, बट विद द हेल्प ऑफ वेव ऑप्टिक्स, विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस ने जो भी वेव थ्योरी बताई है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लाइट का रिफ्लेक्शन, इससे पहले भी रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा है, 12th में तो नहीं पढ़ा हमने,
क्योंकि 20 और 21 के लिए सिलेबस में हटा दिया गया उसको, तो इतना सुनहरा मौका नहीं मिल पाया हमको रिफ्लेक्शन पढ़ने का। लेकिन इसमें मैं रिफ्लेक्शन आपको बताऊंगा तो री ऑप्टिक्स से नहीं, वेव ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करके। और वेव ऑप्टिक्स में एक जगह से दूसरी जगह तक चलता कौन है? वेव फ्रंट। कौन चलता है? वेव फ्रंट, तरंगाग्र चलता है, ठीक है। और इन दिस आर्टिकल आई विल नॉट राइट इट इन टू टेक्स्ट, आई विल ओनली मेक यू अंडरस्टैंड। इसको मैं शब्दों में लिखूंगा नहीं, केवल मैं समझाऊंगा आपको। आप चाहें तो इसके शॉर्ट नोट्स अपना बुक से हेल्प लेके घर में बना सकते हैं, बिकॉज इसमें केवल आपको समझना है बस। देखो ये मैंने एक, क्योंकि परावर्तन करना है तो वी नीड अ रिफ्लेक्टिव सरफेस, हमको एक ऐसी सरफेस चाहिए जो रिफ्लेक्शन कर सके। भाई परावर्तन की व्याख्या कर रहे हैं ना, तो आपको एक ऐसी सरफेस चाहिए जो क्या कर सके, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, उसका परावर्तन कर सके। तो हमने ये एक सरफेस बना ली, आप समझ लो एक मिरर ले लिया हमने, एक दर्पण, इसमें इधर से लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और यहां क्या लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है। समझ आ रही है आपको? ओके, अब हम इस पे भेजेंगे लाइट को, लेकिन लाइट को हम किस फॉर्म में भेजेंगे? तो आंसर है लाइट को हम वेव फ्रंट्स की फॉर्म में भेजेंगे। तो यहां से लाइट के वेव फ्रंट ऐसे आएंगे, और मैंने मान लिया कि प्लेन वेव फ्रंट आएंगे, ये ऐसे वेव फ्रंट आएंगे इस तरह से, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये ऐसे आएगा। अब वेव फ्रंट जो होते हैं आपको मालूम होगा वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, और प्रकाश संचरण की दिशा को ही आप क्या बोलते हैं, किरण, समझ रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको कि यहां पर हम उसको प्रकाश संचरण की दिशा कहा करेंगे, क्योंकि हम रे ऑप्टिक्स नहीं बल्कि वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो हम इसके संचरण की दिशा बना लेते हैं पहले कि किस डायरेक्शन पे ये चल रहा है लाइट। ये देखे लाइट के संचरण की दिशा है, इस डायरेक्शन पे ऐसे लाइट जा रही है। और वेव फ्रंट के बारे में एक चीज आपने सीखी थी कि वेव फ्रंट और प्रकाश संचरण की जो दिशा होती है वो दोनों आपस में लंबवत होते हैं। ऐसा ही इधर भी हम बना देते हैं इस तरह से, इधर भी हम इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं ऐसे, ये तो ये वेव फ्रंट देखो चले आ रहे हैं। आपका मेन मकसद इसको देखना नहीं है, ये वेव फ्रंट जो ऐसे आ रहा है ये चीज आपको देखना है, ठीक है। ये वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे चला आ रहा है धड़धड़ा के बिल्कुल, और ये वेव फ्रंट जब यहां पर ऐसा आ रहा है, थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट यहां पर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट जो होगा वो यहां पर आ जाएगा ऐसे, इस जगह पर वेव फ्रंट आया। देखो ये हमने उसके संचरण की दिशा बनाई हुई है, ये वेव फ्रंट को मैं मान लेता हूं ए बी, थोड़ी देर बाद ये ए बी यहां पर पहुंच गया क्योंकि लगातार आगे बढ़ रहा है, थोड़ी देर बाद ये ए बी यहां पर पहुंचा, थोड़ी देर बाद ये ए बी यहां पर पहुंचा। तो जो वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा था, सबसे पहले उस वेव फ्रंट के पॉइंट ए ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच किया, सबसे पहले ये वेव फ्रंट है देखो, सबसे पहले पॉइंट ए ने इस सरफेस को टच किया, और उस वक्त बी कहां पर है, उस वक्त बी यहां पर है, और ये है वेव फ्रंट। परावर्तक पृष्ठ के साथ में इस टाइप के वेव फ्रंट का नाम क्या होगा? तो आंसर है इसको हम बोलेंगे आपतित तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र कहेंगे? आपतित तरंगाग्र। ये सब आपतित हो रहे हैं अभी, जब ये जाके सरफेस को टकराएगा उस वक्त ये आपतित तरंगाग्र आप देख रहे हैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कुछ एंगल बना रहा है, देख रहे हैं आप, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से थोड़ा सा एंगल बनाता है ये। ये जितना भी एंगल बनाता है परावर्तक पृष्ठ से, इस कोण को ही हम बोलते हैं आपतन कोण। तो एक्चुअली आपतन कोण होता क्या है? आंसर है आपतित तरंगाग्र और परावर्तक पृष्ठ के बीच का जो कोण होता है। अभी तक हम आपतन कोण जब री ऑप्टिक्स पढ़ते थे तो आपतन कोण किसको कहते थे आपको याद है? ये परावर्तक पृष्ठ होता था,
ये आपतित किरण आती थी, तो यहाँ पर हम एक अभिलंब बनाते थे। देखो यहाँ पर हम क्या बनाते थे, एक अभिलंब बनाते थे और इनके बीच का एंगल हम आई मानते थे। ये वेव ऑप्टिक्स में होता था। वेव ऑप्टिक्स में क्या हो रहा है, आपतित तरंगाग्र और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी जो परावर्तक पृष्ठ होगा उसके बीच जो एंगल बनेगा एक्चुअली ये है आपतन कोण। कुछ बात समझ में आ रही है। और देखो एक चीज मैं दिखाऊं तो आप सोचोगे क्या यहां वहां सब अलग अलग था, कुछ अलग नहीं था यार। आप देखो ध्यान से थोड़ा, ये क्या है प्रकाश संचरण की दिशा, तरंगाग्र इस पर कैसा होता है लंबवत, तो हमने एक लंबवत लाइन ऐसे बना ली। ये बताइए ये क्या है, ये है रे जिसे आप बोलते हैं प्रकाश संचरण की दिशा, ये मैंने इस पर लंबवत बनाया। तो ये क्या है बताइए, ये वेव फ्रंट है। वेरी गुड, अगर ये वेव फ्रंट है हमारे हिसाब से वेव थ्योरी में, वेव थ्योरी में ये कोण कौन सा है आई, और रे ऑप्टिक्स में ये एंगल कौन सा है आई। तो अब देखते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव थ्योरी कुछ अलग कह रही है क्या। अगर ये आई है ये एंगल कितना होगा, कितना, क्यों, बिकॉज दिस इज द वेव फ्रंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, और वेव फ्रंट और डायरेक्शन लाइट की जो चलने की है उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90। अब ये एंगल आई है ये 90, तो ये कितना हुआ, 90 माइनस आई। ये आपने क्या बनाया है, ये आपने अभिलंब बनाया है। अभिलंब और यहां तक का पूरा एंगल कितना होगा, 90। भाई सरफेस पर अभिलंब बनाया तो 90 डिग्री होगा। अब ये कितना है नीचे वाला एंगल, 90 माइनस आई, ये पूरा कितना है 90। अगर इस पूरे 90 में ये वाला हटा दे तो ये आ जाएगा, तो पूरे 90 में कितना हटाना है, ये नीचे वाला एंगल मतलब 90 माइनस आई, तो 90 माइनस 90 प्लस आई कितना बचा, तो ये कोण आई तो पहले भी हम माना करते थे। इसका मतलब बात वही है, बात लगभग वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमारे मेजरमेंट का डिफरेंस था कि रे ऑप्टिक्स में हमेशा हम आपतित किरण और सरफेस पर जो नॉर्मल बनाते थे उसके बीच के कोण को आपतन कोण कहते थे, और वेव ऑप्टिक्स में हम किसके बीच का आपतन कोण किसको बोलेंगे, आपतित तरंगाग्र और परावर्तक पृष्ठ के बीच जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। यह चीज समझ आई कि नहीं आई आपको, आ रही समझ में, ठीक, चलिए बना रहने देते हैं अच्छा इसको। अब आगे की बात समझिए, ये जितने भी वेव फ्रंट्स हैं ये सब आपतित तरंगाग्र इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हैं। हाइगेंस का जो सेकेंडरी वेवलेट्स का प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग तो हर वेव फ्रंट अपना एक नए लाइट सोर्स बनाएगा, हर पॉइंट उसका नए लाइट सोर्स की तरह काम करेगा और उससे लाइट आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, आगे की तरफ क्या चारों तरफ बढ़ेगी, लेकिन हम सिर्फ कौन सी लाइट को इस्तेमाल करेंगे, अब हम सिर्फ उस और सिर्फ उस लाइट को लेंगे जो आगे की तरफ बढ़ रही है, पीछे भी फैलेगी पर उसकी हमको जरूरत नहीं है तो हम नहीं लेंगे। जैसे आप यहां पर समुद्र में के किनारे आप खड़े हैं तो समुद्र की लहरें चारों तरफ जा रही हैं, लेकिन जो लहर हमारी तरफ आ रही है हमको तो केवल वही दिखती है ना, तो हम केवल वही वाली लहर लेंगे। तो अगर यहां से लहरें ऐसे बनी हैं तो लहरें चारों तरफ बन रही हैं, लेकिन आप कौन सी लहर लेंगे जो आपकी तरफ ऐसे आ रही है, आपकी तरफ जो आ रही है आप तो केवल वो वाली लेंगे ना, ऐसे यहां पर हम केवल आगे की साइड वाली लेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस वेव फ्रंट के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में एक पॉइंट ए भी है और एक पॉइंट बी भी है, तो बाकी पॉइंट्स को आप छोड़ दीजिए, सबको लोगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा आपको, आप केवल दो बिंदु लीजिए ए और बी। जैसे ही ये वेव फ्रंट आएगा ऐसे आते जाएगा आते जाएगा, सबसे पहले वेव फ्रंट का पॉइंट ए इस सरफेस को टच करेगा, उस वक्त क्या पॉइंट बी भी सरफेस को टच करेगा, आंसर नहीं, वो तो सरफेस से इतनी दूर है, जब इतना जाएगा चल के तब कहीं टच करेगा जा करके, अभी नहीं कर पाएगा इसको टच। कुछ बात समझ में आई, लेकिन जब बी यहीं पर है
उस समय वेव फ्रंट का पॉइंट ए ने इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच कर दिया। अब अगर इस पॉइंट को उसने टच कर दिया तो ये पॉइंट क्या बन गया, एक न्यू लाइट सोर्स बन गया, एक सेकेंडरी लाइट सोर्स बन गया। इसका वैसे हर पॉइंट क्या है, सेकेंडरी लाइट सोर्स है, हर पॉइंट है, पर मैंने आपको क्या बोला कि अगर सारे पॉइंट्स आप लेने लगोगे तो फिगर बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। हमें आपको समझाना और आपको समझना दोनों ही वर्क मुश्किल हो जाएंगे हमारे लिए, इसलिए हम केवल दो ही बिंदु से निकलने वाली तरंगिकाओं को केवल गौर करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। कुछ बात हमारी समझ में आई, कौन सी वेवलेट्स को हम यूज करेंगे, एक जो ए से चलेगी और एक जो बी से चलेगी। क्या बाकी ए बी में जो वेव फ्रंट बीच में बने हुए जितने पॉइंट्स हैं, क्या वहां से कोई सेकेंडरी वेवलेट्स नहीं निकलेगी? आंसर ऐसा नहीं है, सबसे निकलेगी। हम नहीं यूज करेंगे उसको, नहीं तो हमारा फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और मुझे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा आपको। तो सबसे पहले इसने जाके यहां टच किया, उस समय पॉइंट भी यही टंगा हुआ है हवाई में, इसने टच कर दिया। जैसे टच किया यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलना शुरू हो जाएगी क्योंकि न्यू लाइट सोर्स बन गया। अगर यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगी किस तरफ निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी, लेकिन आप चारों तरफ जा नहीं पाएगी क्योंकि यह सरफेस कैसी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस सरफेस की दूसरी साइड में पॉलिश लगी हुई है, तो ये अलाउ नहीं करेगा नीचे जाने के लिए लाइट को। ये लाइट को नीचे जाना, वो तो चौथा निकालना चाहता है पर नीचे जाना है, लाइट को अलाउ नहीं करेगा, तो वो लाइट केवल ऊपर ऊपर चलेगी। अब ऊपर ऊपर चलेगी तो इस दिशा में निकलेगी, इस डायरेक्शन पे निकलेगी, इस डायरेक्शन पे निकलेगी, किस तरफ निकलेगी? आंसर है उसको तो जहां अलाउ नहीं होगा वहां नहीं जाएगी, बाकी जितने में अलाउ है उतने में कैसे चलेगी, फैल के चलेगी। तो अगर ये पॉइंट सोर्स है तो ये इसकी सेकेंडरी वेवलेट होगी, ये इसकी सेकेंडरी वेवलेट होगी। अगला वेव फ्रंट कहां पर होगा, अगला वेव फ्रंट ये होगा, अगला वेव फ्रंट ये होगा, मतलब यहां से वेव फ्रंट्स निकलने का सिलसिला स्टार्ट हो गया और लगातार इस तरीके से इसके वेव फ्रंट बन बन के निकलने शुरू हो गए। देख रहे हैं आप, ये यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स को निकलने का सिलसिला कब स्टार्ट हो गया, जैसे ही वेव फ्रंट ए बी के बिंदु ए ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच किया, यहां से वेव्स निकलना शुरू हो गए। तो क्या बी तब तक यहां रुका ही रहेगा? ऐसा नहीं है। क्यों रुका रहेगा? अरे भाई वो तो आगे बढ़ता ही जाएगा ना लगातार, हमने बताया कि उस वक्त ये निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा बाकी बिंदुओं को भी ये क्या करते चला जाएगा, टच उनसे भी निकलते जाएंगे वेवलेट्स, लेकिन हम केवल ए और बी वालों को देख रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखें, जब इसने टच किया रिफ्लेक्टिंग सरफेस को उस समय यहां से ये सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी स्टार्ट हो गई, तो क्या ये रुक गया? ये रुका नहीं, ये आगे बढ़ते गया। मान लिया जब ये आगे बढ़ते गया तो इसको ये भी एक समय आएगा जब सरफेस को टच करेगा, ये भी एक वक्त आएगा जब ये सरफेस को जाके आप ऐसा टच करेगा, इस पॉइंट पर टच करेगा, इसको हम मान लेते हैं बी डैश, बी इसको माना है बी। तो इस पॉइंट को यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ वक्त लगेगा। मान लिया कितना वक्त लगा, टी टाइम लगा। ये मान लिया कि ये जो माध्यम है इसमें लाइट की स्पीड वी है, स्पीड ऑफ लाइट वेव इज इक्वल टू वी। अब ध्यान से बताइएगा, बी से बी डैश तक पहुंचने में टाइम कितना लिया इसने, टी। यहां पर स्पीड कितनी है, वी। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है, v। टाइम कितना लगा, t। तो कितनी डिस्टेंस है ये, vt। इस पॉइंट b को जो वेवलेट यहां से निकलेगी उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, v। कितना टाइम लगा, t। स्पीड कितनी है, v। तो कितनी दूर जाके ये मिल पाएगी, vt डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। उतनी देर में, अब देखो जब ये पॉइंट बी यहां पर था ना, यहां से तो तभी वेवलेट्स निकल पड़ी थी, यहां से तो तभी वेवलेट्स निकल पड़ी थी। अब ये पॉइंट यहां पर है और यहां से वेवलेट चल पड़ी, अब ये आगे बढ़ते जा रही, वेवलेट भी आगे बढ़ती जा रही, ये आगे बढ़ता जा रहा, वेवलेट भी आगे बढ़ती जा रही। ये तो दोनों तरफ दोनों जगह से हो रहा है ना।
यहां से यहां तक आने में इसको टी टाइम लगा, तो यहां से जो वेवलेट चली होगी उस टी टाइम में कहीं तक पहुंची होगी, हो सकता है वो यहां तक पहुंची हो सकता है वो यहां तक पहुंच गई हो, यहां तक पहुंच गई हो, कहीं तक पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, जो यहां से वेवलेट निकली होगी उसकी स्पीड कितनी होगी, आंसर उसकी स्पीड वी होगी, क्यों, माध्यम नहीं बदला है, उसी माध्यम में तो है, तो उसी टी टाइम पर ये कितनी दूर निकल गई होगी, अब हमको ये देखना है। तो अगर स्पीड वी है, टाइम इसको भी हमने टी दिया है, तो ये कितनी दूर निकल गई होगी, आंसर है ये वी टी दूरी ये भी निकल गई होगी, ऐसे निकल रही होंगी सब यहां से इस तरह से, ऐसे वी टी दूर निकल गई होगी, तो वी टी दूर कौन सी वाली पड़ेगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, कोई तो होगा जो वी टी डिस्टेंस पर पड़ेगा वेव फ्रंट उसका, तो मान लिया कि वी टी दूर पर पड़ने वाला वेव फ्रंट है ये वाला वेव फ्रंट वी टी दूरी पर पड़ता है, मान लिया हमने, भाई कुछ डिस्टेंस तो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा आपको, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, इसमें कुछ बात समझ आ पा रही है आपको, जैसे हम यहां पर हैं और आपने इसको टच कर लिया, तो अभी हमको क्या करना है, हम दोनों लोगों को सरफेस टच करनी है, हम यहां पर हैं आप यहां पर हैं, और सरफेस टच करके हमको वापस भी होना है, हम तो अभी वापस नहीं होंगे, तो हम तो अभी सरफेस की तरफ जाएंगे, आपने सरफेस टच कर लिया तो अब आप वापस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जितनी देर में हम यहां तक पहुंचेंगे उतनी देर में आप वापस हो चुके होंगे, तो आप कितनी दूर वापस हो चुके होंगे, आंसर है जब स्पीड सेम है टाइम भी उतना ही मिलेगा हमको, तो अगर ये वीटी डिस्टेंस आगे बढ़ेगा तो यहां से वीटी डिस्टेंस ही तो हम भी आगे जा पाएंगे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मान लिया कि ये वेव, चाहे इसको मान लो या इसको मान लो, मान लिया ये वाला जो वेव फ्रंट है वो यहां से कितनी दूरी पर पड़ता है, वीटी दूरी पर पड़ता है, तो वीटी दूरी पर पड़ता है तो ये वाला डिस्टेंस वीटी है, ये वाला डिस्टेंस वीटी है, ये वाला डिस्टेंस वीटी है, ये डिस्टेंस वीटी है, कि ये वाला डिस्टेंस वीटी है, आंसर है सब वीटी है, क्यों, अगर टी टाइम में वीटी दूरी वेव चली गई होगी तो वीटी दूरी इधर भी गई होगी, 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 और वीटी दूरी इधर भी गई होगी, तो चारों तरफ चलेगी ना वीटी डिस्टेंस पर, मान लिया कि यहां पर हम पहुंच गए, यहां से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां, 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 सब जगह पर है, और उस समय ये पॉइंट बी कहां पर है, उस समय पॉइंट बी यहां पर है, अब हम चाहते हैं ये कि हम अगला वेव फ्रंट कहां पड़ेगा ये बनाएं, कि नेक्स्ट वेव फ्रंट कहां पड़ेगा, अगला वेव फ्रंट बनाने का तरीका क्या है, हाइगेंस के प्रिंसिपल में हमको पता चला है, आप क्या करो, एक कॉमन टेंजेंट बना लो, क्या कर लीजिए, एक कॉमन टेंजेंट बना लो, एक ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों को टच करे, यहां से जो वेव निकली थी ये ऐसे आगे बढ़ी थी, देखो इस तरह से आगे बढ़ रही थी, और ये यहां तक पहुंची, उतनी देर में वीटी दूरी चल के ये वेव लेट यहां तक पहुंच गई, चारों तरफ पहुंची, अब अगर आपको अगला वेव फ्रंट बनाना है कि परावर्तित तरंगाग्र कहां पर है, तो उसके लिए आपको अभी हमने रूल बताए, कॉमन टेंजेंट आपको बनानी पड़ेगी, एक ऐसी टेंजेंट जो दोनों को स्पर्श करती हुई जाए, तो बी वाला पॉइंट इस समय कहां पर है, बी डैश पर, और यहां से निकली द्वितीयक तरंगिका इस समय कहां पर है, आंसर है यहां पर है, यहां भी 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 है, अगर नेक्स्ट वेव फ्रंट आपको चाहिए तो यहां से और इसके बीच में आपको एक क्या बनानी पड़ेगी, एक कॉमन टेंजेंट बनानी पड़ेगी, एक कॉमन, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, वो कैसी बनाई जाएगी, हम वो स्पर्श रेखा यहां बनाएंगे, वो स्पर्श रेखा हम यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, यहां, यहां कहां बनानी चाहिए, तो आंसर है कॉमन स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट आपको बनानी है, तो जहां बन पाए वहां बनाओ, अब हम आपको बोल देंगे कि यहां बना दो, तो क्या यहां स्पर्श रेखा बन पाएगी, ये तो काट देगी ना, देखो ऐसे बनाओगे तो स्पर्श रेखा थोड़ी है, तो काट देगी, तो जहां स्पर्श रेखा बन पाए वहां पर बनाइए,
हमने इस पॉइंट से लेकर और देखा कि यहां पर हम टेंजेंट बना सकते हैं, तो ये हमने एक कॉमन टेंजेंट ऐसे बना दिया। देखिए ये कॉमन टेंजेंट बना दी हमने। आप जानते हैं उस वक्त ये जो देख रहे हैं आप, ये चीज, ये अगला वेव फ्रंट बन गया, नेक्स्ट वेव फ्रंट इसको कहा जाएगा। अब आप देखो क्या टी सेकंड के बाद यहां से निकली हुई सेकेंडरी वेवलेट यहां पर नहीं है? आंसर है यहां पर भी है। क्या टी सेकंड बाद यहां से चलने वाली वेवलेट यहां नहीं है? आंसर है यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। पर हमने बनाना क्या था, हमें तो परावर्तित तरंगाग्र बनाना था, और परावर्तित तरंगाग्र के लिए या नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए हाइगेंस के नियम के मुताबिक जो स्पर्श रेखा होगी वही हमारे नेक्स्ट वेव फ्रंट का काम करेगी। तो अगर मैं यहां बोल देता तो ये लाइन स्पर्श रेखा नहीं बनती, यहां पर मैं कह देता तो आप इसे मिला तो देते, पर क्या यह स्पर्श रेखा होती? ये स्पर्श रेखा नहीं होती। तो लाइट चारों तरफ चल रही है, लेकिन उस चारों तरफ चलने वाले जो रास्ता है उसका, उसमें एक पॉइंट केवल ऐसा मिलेगा जहां पर आप दोनों की कॉमन टेंजेंट बना पाएंगे, सब जगह नहीं बना पाएंगे आप। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चीज, इसको हम मान लेते हैं ए डैश। तो ए डैश बी डैश जो है ये नेक्स्ट वेव फ्रंट बना, और ये नेक्स्ट वेव फ्रंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे परावर्तित तरंगाग्र। देखो तरंगाग्र आया कैसा, ऐसे, और ये ऐसा लौटने लगा, मतलब ये वेव फ्रंट, मैं इससे बताता हूं, आया ऐसे और टकराने के बाद ऐसा होके जाना शुरू हो गया। ये देख रहे हैं, तो ये जो परावर्तित तरंगाग्र बना, परावर्तित तरंगाग्र भी आप देखें सरफेस के साथ थोड़ा एंगल बनाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। आपतित तरंगाग्र ने परावर्तित पृष्ठ के साथ, परावर्तक पृष्ठ के साथ जो एंगल बनाया था उसको हमने बोला था आपतन कोण। तो परावर्तित तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। और उसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा, उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। कुछ बात आपको समझ में आई? ठीक। अब हम ये जानना चाहते हैं, ये तो परावर्तित तरंगाग्र बन गया, अब ये परावर्तित तरंगाग्र ऐसा जाना शुरू हो जाएगा, तो नेक्स्ट वेव फ्रंट कहां बनेगा, अगला जो परावर्तित तरंगाग्र होगा वो कहां बनेगा? तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, और ये भी ऐसा जाना शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट, ये एक वेव फ्रंट बना, इस पर लंब बनाना चाहिए मुझे, ये लंब नहीं लग रहा है, ऐसी लाइन होगी ऐसे। तो ये एक वेव फ्रंट बना, नेक्स्ट वेव फ्रंट ये बनेगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट ये बनेगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट ऐसे बनेगा। तो ये परावर्तित तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र। बउआ हो ये बताएं कि ये बातें कुछ आपको समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई। एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से इसे बताना चाहूंगा, आप ध्यान से देखिए ये क्या है, आप भी बताते जाइए थोड़ा थोड़ा, ये क्या चीज है, आपतित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र जब तिरछा इसमें पड़ा तो आपतित तरंगाग्र और परावर्तक पृष्ठ के बीच एक कोण बना, इस कोण का नाम आपने क्या रखा, आपतन कोण, आई से प्रदर्शित किया। जब ये आपतित तरंगाग्र ने परावर्तक पृष्ठ को टच किया उस समय सबसे पहले किस पॉइंट ने टच किया, ए ने टच किया। जैसे ही ए ने टच किया इस परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए से सेकेंडरी वेवलेट चलना शुरू हो गई, किस तरफ चलेगी, चारों तरफ चलेगी। तो नीचे क्यों नहीं आपने दिखाई, क्योंकि नीचे पराव पॉलिस लगी हुई है तो नीचे वो अलाउ नहीं करता उसको जाने को, इसलिए चलती तो चारों तरफ, ऐसे चलना शुरू हो गई, ये फैल के निकलना शुरू हो गई ऐसे। उस वक्त जब यहां से वेवलेट चली थी, केवल थोड़ा आगे बढ़ी नहीं थी, चली थी, केवल शुरू किया था उसने, उस समय बिंदु बी कहां पर था, उस समय बिंदु बी इस जगह पर था। जब ये टच करेगा जाके इसको, तब यहां से सेकेंडरी वेवलेट चलेगी, यहां से इसको यहां तक आने में हमने मान लिया कितना समय लगा, टी समय लगा, और इस मीडियम में प्रकाश की चाल कितनी है,
वी है, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? अब देखो, जब बिंदु बी यहां था, यहां से उस समय तरंगिका निकल ही पड़ी थी, उस समय तो बिंदु बी यहीं पर पड़ा था बेचारा। अब ये टी समय में यहां तक पहुंचेगा, तब तक टी समय में यहां से चलने दो, एक तरंगिका फैल जाएगी काफी दूर तक, फैल जाएगी काफी दूर तक। कहां तक फैल जाएगी, कितनी दूर निकल जाएगी ये? तो आंसर है, क्योंकि इसकी स्पीड भी तो कितनी होगी, वी, और इसको हम उतनी ही देर में आपसे पूछ रहे हैं कि जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगी, उतनी देर में ये कितनी दूर निकल जाएगी। तो आंसर ये भी vt दूर ही निकल जाएगी, क्योंकि टाइम भी उतना ही दिया हमने इसको, स्पीड भी उसकी उतनी ही है। तो अगर इसको यहां से यहां तक दूरी vt चलनी पड़ी है, तो ये भी vt दूर निकल जाएगी। मान लिया कि vt दूरी, ये वाला डिस्टेंस vt डिस्टेंस है, तो क्या केवल इस तरफ निकल जाएगी vt दूरी तक? नहीं, इधर भी vt दूरी तक, इधर भी चार तरफ vt दूरी तक निकल जाएगी। अब जिस वक्त ये यहां पहुंचा, उस वक्त यहां वाली सेकेंडरी वेवलेट इन जगहों पर पहुंच गई। अब हम चाहते थे कि हमको परावर्ती तरंगाग्र बना के बताया जाए, तो कोई भी नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाने का रूल हाइगेंस ने हमको बताया था कि एक एनवलप बना दो सबको टच करता हुआ, एक कॉमन टेंजेंट बना दो कुल मिला के। तो बिंदु बी इस वक्त कहां है? यहां। और बिंदु ए से जो वेवलेट चली थी वो कहां पर है? आंसर है यहां, 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 बहुत जगह पर है, हर पॉइंट पर है। हमको अगला तरंगाग्र चाहिए, उसके लिए हमको कॉमन टेंजेंट चाहिए। किसकी किसकी कॉमन टेंजेंट? इस पॉइंट की और इसकी किसी एक पॉइंट की। हमने एक ऐसी लाइन बनाई जो कि टच करती हो। आप चाहें इसको आगे बढ़ाने का नहीं मन है तो आप आगे मत बढ़ाइए इसको, आप केवल इतना ही बनाइए बस, लेकिन कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए। ये जो कॉमन टेंजेंट हमने बनाई, ये परावर्तित तरंगाग्र हुआ। फिर अब ये परावर्तित तरंगाग्र आगे बढ़ेगा ऐसा, तो ये आगे की तरफ बढ़ता निकल जाएगा। फिर ये तो तरंगिका आई ऐसे, देखो टकराई और टकरा के ऐसे निकल गई, तो ये आया ऐसे ऐसे, और जैसे परावर्तित होगा तो ये परावर्तित होकर फिर ऐसा वेव फ्रंट निकल जाएगा। परावर्तित तरंगाग्र और परावर्तक पृष्ठ के बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या मान लेंगे? परावर्तन कोण उसको मान लेंगे। तो ये वापस इसका जाना, परावर्तित तरंगाग्र कैसे बनेगा पता लगा आपको? नहीं पता लगा? सबको पता लग गया, ठीक है। तो ये तो हो गया फिगर, हुआ क्या ये समझाया गया, लेकिन क्या परावर्तन प्रूफ हो गया? नहीं, अभी तो हमने दिखाया, अब तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वाकई में जो परावर्तन के नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये तो प्रूफ ही नहीं किया। जब ये प्रूफ करोगे तो हम मान लेंगे। तो अब हम कोशिश करते हैं, देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, और यहां पर कौन है? बी डैश है। हम यहां पर दो त्रिभुज लेना चाहते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज लेंगे ए बी और बी डैश, त्रिभुज ए बी बी डैश, तथा दूसरा त्रिभुज हम लेना चाहते हैं ए ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए ए डैश बी डैश में। उससे पहले ना एक दो लाइंस में ये नोट कर देता हूं कि माना प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हमने कितना मान लिया? v। बी बिंदु b को b डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। माना बिंदु b को b डैश तक पहुंचने में, माना बिंदु B को B डैश तक पहुंचने में T समय लगता है, तब बताइए B से B डैश तक का डिस्टेंस क्या होगा? B B डैश इज इक्वल टू VT, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अच्छा, यहां से A डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा? ए ए डैश, बताइए ए ए डैश कौन सी डिस्टेंस है जो द्वितीयक तरंगिका ने चली है? कितनी देर में? टी समय में। टी समय में द्वितीयक तरंगिका के द्वारा चली गई डिस्टेंस है ये, तो वो डिस्टेंस भी कितनी होगी? आंसर है वो डिस्टेंस भी वी टी होगी। क्यों? क्योंकि द्वितीयक तरंगिका चाल भी तो वी के बराबर है,
और टाइम उतना ही दे रहे, तो ये भी वीटी के बराबर होगा। इधर बी बी डैश वीटी होगा, इधर ए ए डैश की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, वीटी के बराबर आ जाएगी। ये कैसे आ गया, समझ आ गया सभी को? अब इन दो त्रिभुजों में देखो कौन कौन सा ट्राइंगल, ए बी और बी डैश, एक तो ये त्रिभुज आपको देखना है, ये वाला बड़ा सा, दूसरा ए ए डैश बी डैश, ये छोटा सा ट्राइंगल देखना है, ये वाला ए ए डैश बी डैश। इन दोनों त्रिभुजों में आप एक चीज देख रहे होंगे कि दोनों का आधार कॉमन है, ए बी बी डैश का बेस भी ए बी डैश है और ए ए डैश बी डैश का बेस भी कौन है, ए बी डैश है। तो हम यहां लिख सकते हैं ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, काहे के मारे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए ये वाली साइड कैसी है, कॉमन है। ठीक, उसके बाद क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा, बताइए, 90। क्यों? क्योंकि ये वेव फ्रंट है और ये तरंग संचरण की दिशा है, तो ये एंगल कितना हुआ, 90। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ये एंगल कितना होगा, 90। क्यों? क्योंकि ये तरंग संचरण की दिशा है और ये वेव फ्रंट है परावर्तित वाला, इनके बीच का एंगल भी कितना होगा, 90। तो एंगल ए बी बी डैश और एंगल ए ए डैश बी डैश दोनों 90 होंगे। एंगल ए बी बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए ए डैश बी डैश, ये दोनों के, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। क्यों बराबर होंगे, बिकॉज ईच 90 डिग्री, दोनों ही एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं। इसके बाद और देखिए, इस बड़े वाली त्रिभुज की एक साइड बी बी डैश, जो बड़ा वाला त्रिभुज है, आप देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसकी ये साइड है कि नहीं बी बी डैश, और छोटे वाले त्रिभुज की साइड ए ए डैश, ए ए डैश इज इक्वल टू बी बी डैश, बी बी डैश बड़े त्रिभुज की साइड है, ए ए डैश छोटे त्रिभुज की साइड है, लेकिन दोनों ही साइड्स आपस में कैसी हैं, आप देखो बराबर हैं। ए ए डैश की वैल्यू भी वीटी के बराबर है, बी बी डैश की वैल्यू भी वीटी के बराबर है, तो ये किसके बराबर आएगा, ईच वीटी। इस वजह से ये दोनों बराबर हो गए। तो हमने दो त्रिभुज लिए और दो त्रिभुजों में कितनी चीजें आपस में बराबर हो गई, दो साइड बराबर हो गई, एक एंगल बराबर हो गया। समझ आ रहे हैं आपको? और जब भी कभी मैथ में आपने पढ़ा है, जब भी कभी ऐसा हो जाता है, तो ऐसे त्रिभुज कौन से त्रिभुज कहलाते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इनको बोला जाता है। इसलिए त्रिभुज त्रिभुज ए बी बी डैश एंड ट्रायंगल ए ए डैश बी डैश आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम त्रिभुज, ये दोनों ही सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। और सर्वांगसम त्रिभुजों की क्या खास बात होती है, सर्वांगसम त्रिभुजों में अगर तीन चीजें बराबर हो गई तो उनके बाकी पार्ट्स भी आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर। और इस रूल को बोलते हैं सीपीसीटी, देयरफॉर बाय सीपीसीटी करेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी परस्पर कैसे होंगे, समान होंगे। अब बताइए इतनी चीज समझ में आ गई, अगर इनके संगत भाग भी आपस में बराबर हो गए तो ध्यान से देखिए, बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला एंगल बी ए बी डैश, ये वाला एंगल
देयरफोर एंगल बी ए बी डैश, बी ए बी डैश, और छोटे त्रिभुज का ये वाला एंगल ए डैश बी डैश ए, एंगल ए डैश बी डैश ए, ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर, और अब आप नकार भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें दोनों त्रिभुजों के प्रूफ करके दिखाया सर्वांग सम। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो बताइए बी ए बी डैश इसकी वैल्यू क्या है, आई, और ए डैश बी डैश और ए की वैल्यू कितनी है, आर, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, आर। इसका मतलब है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और ये किसका नियम है, ये तो परावर्तन का नियम है। तो अगर ये आपने प्रूव कर दिया तो हम समझ जाएंगे, या अब तो प्रूव हो ही गया है तो अब तो मानेंगे आपके परावर्तन की व्याख्या हो गई, ठीक है, यहां लिख देंगे यही परावर्तन का नियम है, यही परावर्तन का नियम है। अब देखो हाइगेंस की हमने रे का इस्तेमाल नहीं किया, हमने वेव फ्रंट का इस्तेमाल किया, वेव फ्रंट का इस्तेमाल किया, हाइगेंस की वेव थ्योरी का यूज किया, और हमने आपको परावर्तन के नियम प्रूफ करके दिखा दिया। इसका मतलब परावर्तन की व्याख्या हो गई है। तो इतना सा, ये उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो कि आपको करके दिखाना पड़ेगा। सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा, देखो ये पार्ट तो आपको सिंपल सी मैथमेटिक्स है, आपको बड़ी जल्दी आ जाएगा। सबसे जरूरी जो चीज समझना है, यहां पर समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्या ये बातें आपको समझ में आई हैं जो हमने बताई थी? नहीं समझ में आया? यहां से वेव फ्रंट ऐसे आया, इस तरह से, ये पहले यहीं पर है और यहां से वेव लेट्स निकलना शुरू हो गई, तो जो यहां से वेव निकली वो ज्यादा फैलना शुरू हो गई है और ये आगे बढ़ रहा है। जितनी देर में ये आगे जाके यहां तक पहुंचेगा, तब तक यहां से निकलने वाली वेवलेट्स यहां तक आ जाएगी कहीं तक। ये यहां पहुंचा, इसकी वेवलेट यहां तक आ गई, चारों तरफ ऐसा। अब उसी क्षण मैं चाहता हूं कि आप मुझे तरंगाग्र बताओ, तो जिस क्षण आप तरंगाग्र चाहते हैं, दोनों के बीच एक कॉमन टेंजेंट हमने बना दी, तो यहां से लेकर और इसकी कॉमन टेंजेंट बना दी। ये डिस्टेंस अगर VT है तो यहां से ये डिस्टेंस भी सब पूरा कैसा होगा, VT ही होगा, क्योंकि स्पीड भी वही है, टाइम भी उतना ही दिया है, तो उतनी दूर फैल पाई होगी ये, तो उसके बाद ये आगे भी गई होगी, हमें नहीं उससे मतलब है, हमें किससे मतलब है, जो VT दूरी तक गई है बस वो वाली से मतलब, उसी पर हम टेंजेंट बनाएंगे। तो इस तरह से परावर्तित तरंगाग्र हमको मिला और ये लॉ हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। अब आपको समझ में आया? अब अगर आप इसमें से कुछ थ्योरी वगैरह टेक्स्ट में लिखना चाहें तो आप बुक से इसी के बारे में कि किया क्या गया है, वही दो चार चीजें आप दो चार लाइंस में इसको बुक से अपना शॉर्ट नोट बना सकते हैं, ठीक है, तो नोट कर ले। इसके बाद हम द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करते हैं, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अब हम हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की मदद से आपको अपवर्तन को एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, तो देखिए उसको समझिए कैसे होगा। तरीका वही है, बस फर्क इतना होगा, क्योंकि जब परावर्तन की व्याख्या कर रहे थे तो हमने कौन सी सरफेस यूज की थी, परावर्तक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज की थी, और इसमें क्योंकि हम अपवर्तन की व्याख्या करना चाहते हैं, इसलिए हम एक ऐसी सरफेस यूज करेंगे जो लाइट वेव को या वेवलेट्स को दूसरे माध्यम में जाना क्या करे, अलाउ करेगा। तो ये एक इंटरफेस है, और इंटरफेस का मतलब एक ऐसी लाइन, बॉर्डर लाइन है ये, जिसके ऊपर एक अलग मीडियम होगा, इसके नीचे एक अलग मीडियम हो जाएगा, यहां का मीडियम कुछ अलग होगा, ठीक। ज्यादा मैं इसको डार्क नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहां फिगर बना के आपको समझाना भी है, लेकिन ऊपर का मीडियम थोड़ा अलग है, नीचे का मीडियम अलग होगा। इसको मैंने मान लिया कि ये है मीडियम वन, और ये है नीचे साइड है मीडियम टू, ठीक है। अच्छा, जब मीडियम चेंज हो जाएगा तो आप तो जानते हैं लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी स्पीड बदल जाती है। हमने ये भी मान लिया कि जब इस मीडियम में है तो उसकी स्पीड है वी वन, और जब लाइट इस मीडियम में है तो उसकी स्पीड है V2।
ये बात समझ आई कि नहीं आई बताइए। पहले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है v1, दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है v2। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं μ1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस अपवर्तनांक, जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग कैसे। फिर से वही चीज कि ये वेव फ्रंट कौन है, वेव फ्रंट AB, तो ये क्या है आंसर है, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश के संचरण की दिशा। तो ये क्या चीज है आंसर है, ये है इंसिडेंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। और ये क्या शो करेगी, ये लाइन अगर कोई पूछेगा तो क्या है, ये है प्रकाश संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश के संचरण की दिशा। इसलिए आप चाहें तो इनमें एरो आप बना सकते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल बहुआ कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि जो हमारा वेव फ्रंट होता है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होती है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दूसरे पर लंब होते हैं, ठीक। अब ये वेव फ्रंट देखो ऐसा आ रहा है, तिरछा, तिरछा एकदम कितनी स्पीड में चला आ रहा है, v1 स्पीड पे चला आ रहा है। ये v1 स्पीड पे आया और इसने धड़ से इसको मारा, मतलब यहां टकराया सबसे पहले, तो क्या यहां जब टकराया तो रुक गया, रुका नहीं, वो अपनी स्पीड में चलता ही जाएगा, वो नहीं रुकेगा। हमको उसके फिगर को बना के समझ लेना है। देखो जब वेव फ्रंट AB का पॉइंट A इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंटरफेस, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब अपवर्तक पृष्ठ। अब जैसे ही वेव फ्रंट का AB वेव फ्रंट जो है उसका पॉइंट A इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को टच करेगा, यहां से क्या होना शुरू हो जाएगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों, हाइगेंस प्रिंसिपल से ये एक नए लाइट सोर्स का काम करना शुरू कर देगा। तो यहां से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी वो किस तरफ निकलेंगी, चारों तरफ निकलेंगी, और इस बार नीचे की तरफ हम बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये मीडियम उसको जाना क्या करेगा, अलाउ कर देगा। तो हम पीछे साइड नहीं बनाएंगे, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ही उसको बनाएंगे। अब देखो यहां से द्वितीयक तरंगिका निकली, छोटी निकली, फिर उससे बड़ा वेव फ्रंट, फिर उससे बड़ा वेव फ्रंट, फिर उससे बड़ा वेव फ्रंट, ऐसे। अब देखिए यहां से वेवलेट निकलना स्टार्ट हो गई है, उस वक्त बी कहां पर है, उस वक्त तो बी अभी यहां पर है ना। तो जब बिंदु ए से सेकेंडरी वेवलेट निकलना शुरू हुई इसकी सरफेस से, उस समय पॉइंट बी कहां पर है, उस समय पॉइंट बी तो यहां पर हवा में है। अभी ये जब यहां जाएगा तब इससे वेवलेट निकलेगी जाके आगे की। तो इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं, मान लिया कि बिंदु बी को सरफेस तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है, टी समय लगता है, मान लिया मैंने। अब आप मुझे बताइए अगर बिंदु बी को यहां से यहां तक आने में, इस पॉइंट को मान लो बी डैश, यहां से यहां तक आने में टी समय लगता है, तो बी से बी डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये मीडियम वन है कि मीडियम टू है, मीडियम वन में स्पीड कितनी है v1, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी v1 into t, वेरी गुड। फिर से बिंदु बी को बी डैश तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टी समय लगा, इस टी समय में इसके द्वारा तय किया गया डिस्टेंस कितना होगा, v1 t डिस्टेंस होगा। अब फिर से जरा ध्यान से बताइए मुझे कि जिस समय ए से द्वितीयक तरंगिकाएं ये निकलना शुरू हुई थी ना, उस वक्त तो बिंदु बी यहीं पर था, उस वक्त जो पॉइंट बी था वो तो यहीं पर था। अब
यहां से यहां तक पॉइंट बी को पहुंचने में कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। इसने कितनी दूरी ट्रेवल की? वी वन टी। उतनी देर में, क्योंकि यहां से तो उस वक्त द्वितीयक तरंगिका निकल पड़ी थी जब बिंदु बी यहीं पर था, अब जितनी देर में ये यहां पर आया है उतनी देर में इसकी द्वितीयक तरंगिकाएं निकल के आ गई और फैल गई होंगी। इसकी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर कितनी दूर तक फैल गई होंगी बता सकते हैं आप मुझे? ऐसे ये लगातार फैल रही थी, ऐसे ये कितनी दूर तक चली गई होंगी? आंसर है कितना टाइम दिया इनको चलने के लिए आपने? तो हमने बस उतना टाइम दिया है जितने टाइम में बी बी डैश तक पहुंच रहा है, तो कितना टाइम दिया है? टी टाइम। अब टी टाइम में ही आपको बताना है कि यहां से जो द्वितीयक तरंगिका ये निकल रही है ये कितनी दूर निकल गई होंगी? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये मीडियम वन है कि मीडियम टू है? मीडियम टू है। मीडियम टू में स्पीड कितनी है? वी टू स्पीड है। और टाइम इसको कितना मिला है? टी टाइम मिला है। तो ये द्वितीयक तरंगिका कितनी दूर चली गई होगी? वी टू टी डिस्टेंस तक चली गई होगी। आपको बात समझ में आई? वो वी टू टी डिस्टेंस इस V1 T डिस्टेंस से कम होगी, ज्यादा होगी, या जितनी ही है इसके बिल्कुल बराबर होगी? इसके बिल्कुल बराबर होगी। काहे के मारे? क्योंकि परावर्तन में बराबर थे। तो पगलो आओ तो सोचो, परावर्तन में मीडियम चेंज भी तो नहीं हुआ था? जब मीडियम वही थी, मीडियम वही था, स्पीड वही थी, टाइम उतना ही था, तो डिस्टेंस भी उतनी ही थी। आज तो मीडियम चेंज हो रहा है भैया। अगर मीडियम चेंज हो गया तो स्पीड बदल गई है, स्पीड कितनी हो गई है? V2। और अगर ये डेंसर मीडियम है, अगर ये डेंसर मीडियम है तो यहां पर स्पीड इसकी कैसी होगी? कम होगी। तो जितने टाइम T में ये यहां से यहां गया होगा उतने टाइम T में ये V2T दूरी जाएगा, पर वो V2T डिस्टेंस इस V1T डिस्टेंस से थोड़ा सा कम रहेगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड मीडियम इज अ डेंसर मीडियम एंड इन डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल थोड़ी सी कैसी हो जाती है? कम। तो आप बताइए क्या ये वाली वेवलेट ठीक इतनी दूरी चली जाएगी दूसरे माध्यम में? इससे कम दूर, इतनी दूर चलेगी? इससे कम दूरी चलेगी कि इससे ज्यादा? इससे कम। मान लिया कि ये डिस्टेंस वी टू टी है, बस इतनी ही दूरी चल के आप आया है था केवल ये। मतलब जब ये बिंदु बी बी डैश तक पहुंचा उतनी देर में, केवल उतनी देर में कि ये बी से बी डैश तक पहुंचा है, बस उतनी देर में यहां से जो सेकेंडरी वेवलेंथ निकली थी वो यहां तक पहुंच पाई थी। इधर भी पहुंच गई थी, इधर भी पहुंच गई थी, इधर भी पहुंच गई थी, चारों तरफ पहुंच गई थी। लेकिन ये चारों तरफ की डिस्टेंस है किसके बराबर? आंसर, ये डिस्टेंस है वी टू टी के बराबर, डिस्टेंस पर पहुंच गए। तो वी टू टी डिस्टेंस किस तरफ गई, जा पाई थी? वी टू टी डिस्टेंस इस तरफ जा पाई थी, इस तरफ जा पाई थी, इस तरफ, या हर डिस्टेंस? सारा का सारा डिस्टेंस वी टू टी के बराबर होगा, क्योंकि वो तो ऐसा फैल के चलेगी, फैल के चलेगी। टी समय मिला तो वी टू टी दूरी चल के यहां पर आ गई, आगे भी जाएगी, बस हम केवल उतना समय का देख रहे हैं जितनी देर में ये यहां पर आ पाई है। उतनी देर में यहां से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स केवल ये वाली आ पाई थी, ठीक है? ये यहां आ गया, ये यहां पर इन जगहों पर आ गया, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब हमको क्या करना है? हम चाहते हैं कि हमको नेक्स्ट वेव फ्रंट बताइए कहां पर पड़ेगा। अब आप समझ गए कि वी टू टी डिस्टेंस वी वन टी डिस्टेंस से कैसा होगा? कम। क्यों कम होगा? बिकॉज वी टू टी डिस्टेंस इज इन द सेकेंड मीडियम, और सेकेंड मीडियम कैसा है? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये सारी चीजें आप याद रखें। तो अगर ये इसको हमने 5 सेकेंड का टाइम दिया तो ये इतनी दूर निकल जाएगा क्योंकि अभी भी एयर में है, लेकिन सघन माध्यम में अगर 5 सेकेंड का टाइम दोगे तो ये इसके बराबर नहीं चल पाएगा, थोड़ा कम ही चल पाएगा, और ये यहीं रह जाएगा पीछे। अब मुझे अगला वेव फ्रंट बनाना है, बताइए नेक्स्ट वेव फ्रंट का मेथड क्या है बनाने का? कॉमन टेंजेंट बना दो, ठीक है? तो हमने तो केवल दो ही पॉइंट लिए थे, इनके बीच वाले पॉइंट की तो वेवलेट्स ली नहीं थी, हमने केवल ए और बी वाले लिए, बाकी हमने लिए नहीं। तो इन्हें दो की कॉमन टेंजेंट बना दो। तो कॉमन टेंजेंट बनाएंगे, पर इस समय ये वाला पॉइंट कहां पर है? यहां पर। और इसकी वेवलेट जो निकली वो कहां पर है? क्या वो ए पर है या वी टू डिस्टेंस चल के इन जगहों पर है?
ए पर है, वी टू डिस्टेंस चलकर इन जगहों पर है, आपको कॉमन टेंजेंट बनानी है। तो कॉमन टेंजेंट हम यहां पर बनाएं, यहां पर बनाएं, यहां बनाएं, यहां बनाएं, यहां कहां पर बनाएं? आंसर है एक कॉमन टेंजेंट केवल बन पाएगी, एक से ज्यादा तो नहीं बन पाएंगी। तो कॉमन टेंजेंट उस जगह पर बनाइए जहां पर वो स्पर्श करे। कॉमन टेंजेंट का मतलब ही है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनाइए। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनाइए, इससे यहां पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करनी है हमको। ये देखिए हमने एक कॉमन टेंजेंट बना दिया, ज्यादा आगे नहीं बनाएंगे, बस यहीं तक इसको ले जाएंगे। बन गई देखिए ये कॉमन टेंजेंट, यहां पर आई ये कॉमन टेंजेंट। अब बताएं ये चीज आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? आ गई समझ में? तो ये क्या था? इंसिडेंट वेव फ्रंट, आपतित तरंगाग्र। अब ये क्या बन गया है? ये कौन सा तरंगाग्र, इसका नाम क्या होगा? अपवर्तित तरंगाग्र, क्योंकि यहां पर घटना कौन सी हो रही है? अपवर्तन की। तो इसको बोलेंगे अपवर्तित तरंगाग्र। रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट बन गया, तो नेक्स्ट रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट कहां होगा? अगला वाला वेव फ्रंट कहां बनेगा? आंसर है अगला वाला बनेगा, आप इस पर एक काम कर ले, पहले डायरेक्शन बना ले लाइट के चलने की। डायरेक्शन अगर बनाएंगे तो वो डायरेक्शन कैसी होती है? लंबवत। तो इस पर एक लंब बनाइए, देखिए लंब है नहीं है? ये हमने एक लंब बना दिया, इस पर भी लंब बताना कहां पर पड़ेगा बताइए। ये लंबवत है कि नहीं है? 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है इसके साथ में? नहीं बन रहा है, चलो बना देते हैं। आप समझ सकते हैं कि लंबवत ही आएगी प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये है वेव फ्रंट और वेव फ्रंट के साथ ये वाला एंगल 90 का ही बनेगा, उसके संचरण की जो दिशा होगी। तो नेक्स्ट वेव फ्रंट कहां बनेगा? कहीं पर भी बना लो। ये नेक्स्ट वेव फ्रंट आ गया, और अगला वाला ये आ गया, और अगला वाला ये आ गया, तो ऐसे जाके फिर वो निकल जाएगा। ये B से B डैश पर आ गया, तो इसको हम मान लेते हैं A डैश। अब बताइए मुझे यहां से B B डैश का डिस्टेंस कितना है? चित्र में B B डैश की दूरी कितनी है? V1T। तो A A डैश तक का डिस्टेंस बताइए। अच्छा मुझे A से A डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? हाँ जी V2T, क्योंकि दूसरे माध्यम में है ना, इसलिए ये डिस्टेंस होगा V2T। इतनी सबको समझ में आ गई? और ये कौन सा वेव फ्रंट बन गया? ये सब यही है, ये सब है रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट्स, ठीक है। अच्छा अब एक चीज तो हमने यहां पर मानी नहीं, कौन सी? आपतित तरंगाग्र और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच ये जो एंगल बनेगा, इस कोण को हम क्या मानेंगे? आपतन कोण। अपवर्तित तरंगाग्र और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच जो एंगल बनेगा, इसको हम मानेंगे अपवर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन नहीं, अपवर्तन कोण। यहां अपवर्तन हो रहा है ना, तो अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण परावर्तन में होता है। और एक चीज देख सकते हो आप, और एक चीज देखिए, जो लाइट आई थी उसके आने की डायरेक्शन तो ये थी, पर जब दूसरे मीडियम में गई है तो लाइट क्या हो गई है? मुड़ गई है, मुड़ी है। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्यों मुड़ जाती है? वेव थ्योरी में यह भी समझ में आ रहा है हमको। आ रहे समझ में आपको ये चीज? और इस तरीके से हमने अपवर्तित तरंगाग्र भी बना दिए हैं। ये तो हुई फिगर की बात। क्या फिगर में हर चीज आपको समझ में आ गई बातें? फिर से मुझे बताओ, यहां से कॉमन टेंजेंट हमने इस पर क्यों नहीं बनाया था? हमने यहां से जो टेंजेंट बनाया वो इसी पर क्यों बनाया? एक और आगे बनाते, इस पर हमने उस कॉमन टेंजेंट को क्यों नहीं बनाया, या इस पर हमने उस कॉमन टेंजेंट को क्यों नहीं बनाया, बताओ?
बताइए, हमने हमने कॉमन टेंजेंट इस पर बनाया कि नहीं बनाया है? बनाया। हमने कॉमन टेंजेंट एक और लाइन बना के क्यों नहीं बनाया उस पर, या हमने इस पर वो कॉमन टेंजेंट क्यों नहीं बनाई, इसी पर हमने कॉमन टेंजेंट क्यों बनाई है? ये नहीं मालूम आपको? मालूम है क्यों बनाई, बताओ। हाँ, इतनी दूरी कहाँ है, तो अलग अलग है। हाँ, दूरी कम हो गई लेकिन टाइम बराबर है। हमने क्या किया, देखो ऐसे आपको बताना चाहिए कि जितनी देर में बी बी डैश पर पहुंचा उतनी देर में हम देखेंगे कि ए कहां तक जा पाएगा। समझ में आया? जितने टाइम में ये पॉइंट यहां तक पहुंचा है उतना ही टाइम हमने इसको दिया, और हमने देखा कि उतने टाइम पे ये यहां तक नहीं बल्कि उतने टाइम पे ये यहां तक आ गई थी, यहां भी नहीं जा पाई थी वो। तो जितना टाइम इसको यहां से यहां तक आने में लगा उतने टाइम पे ये यहां तक आई थी, इसीलिए हमने इसी पर कॉमन टेंजेंट बनाई है। टाइम दोनों को सेम दिया है हमने। तरंगांग्र बनाने के लिए पिछली क्लास में जब हम वेव फ्रंट बना रहे थे तो आप याद करिए समय बराबर देते थे कि अगर 5 सेकंड दिए हमने तो इसको 5 सेकंड में ये कहां निकल गई होगी, ये कहां रह गई होगी, ये सब करके बनाया था। टाइम बराबर आपको देना है, ये चीज फिगर बना लिया। अब हमको ये प्रूफ करना है कि अपवर्तन वाकई में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे जैसे परावर्तन में प्रूफ किया, परावर्तन के नियम को हमने सिद्ध किया, तो अपवर्तन में हमको क्या प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा? अपवर्तन का नियम प्रूफ करना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है उसकी तुलना में, तो ये बड़ा इजी है। कैसे? इसमें हम ट्रायंगल लेते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कौन कौन सा ट्रायंगल? एक लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी बी डैश। देखिए जरा गौर से, समकोण त्रिभुज ए बी बी डैश में, बउआ देखो ध्यान से बेटा, ए बी बी डैश, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? कैसे मालूम आपको कि ये समकोण त्रिभुज है? क्योंकि इसका एक कोण ये कैसा है और ये 90 क्यों है पता है आपको? ठीक, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो 90 के ठीक सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण। ये जो एंगल हमने रेफरेंस में लिया है इसके जस्ट सामने की भुजा क्या होगी? लंब। हम साइन आई लगाना चाहते हैं, और हम साइन ही क्यों लगाना चाहते हैं? अपवर्तन के नियम में स्नेल्स लॉ होता था, और स्नेल्स लॉ में याद करिए साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर मैंने ये करके दिखा दिया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम मान लेंगे कि भाई अपवर्तन के नियम सिद्ध हो गए आपसे। तो हम साइन आई निकाल लेंगे, फिर हम साइन आर निकालेंगे, फिर हम साइन आई अपॉन साइन आर करके देखेंगे, और देखेंगे कॉन्स्टेंट आया कि नहीं आया वो। अगर आ गया, अगर आ गया तो हाइगेंस वेव थ्योरी से अपवर्तन की भी व्याख्या हो गई, और अगर नहीं आया तो फेल हो गया कहानी। फिर तो पूरा जो इतनी स्टोरी है ना ये सब खत्म है ना। देख लेते हैं आएगा कि नहीं आएगा। साइन आई बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। साइन आई के लिए लंब कौन होगा? बी बी डैश। कर्ण कौन होगा? ए बी डैश। लंब बी बी डैश और कर्ण ए बी डैश, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह से समकोण त्रिभुज बी डैश ए डैश और ए ले लेते हैं। ये वाला त्रिभुज देखिए, बी डैश ए डैश ए, समकोण त्रिभुज बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए में, इसमें हम साइन आर निकाल लेंगे। साइन आर इज इक्वल टू, बताइए साइन आर कितना मिलेगा, क्या क्या लिखा जाए? इस त्रिभुज में कर्ण कौन बनेगा बोलो? 90 डिग्री का कोण कहां पर है बताइए? इसका 90 डिग्री का एंगल कहां है? इसी जगह पर है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये संचरण की दिशा है और ये वेव फ्रंट है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। इसके ठीक सामने ये वाली साइड क्या बनेगी? कर्ण। और आर के ठीक सामने ये वाली भुजा क्या बनेगी? लंब। तो साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण, ए ए डैश अपॉन ए बी डैश, ए ए डैश अपॉन
ए बी डैश लेट दिस इज इक्वेशन नंबर टू. हमें तो साइन आई अपॉन साइन आर करना है. साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. हमने लिखा बी बी डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन साइन आर की जगह पर क्या लिखा जाएगा ए ए डैश अपॉन ए बी डैश. ए बी डैश से ए बी डैश कैंसल हो गया. साइन आई अपॉन दिस इज बी बी डैश अपॉन ए ए डैश. साइन आई अपॉन साइन आर बी बी डैश की वैल्यू कितनी है वी वन इंटू टी और ए ए डैश की वैल्यू कितनी है वी टू इंटू टी. टी से टी कैंसल हो गया. क्या मिल गया हमको साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू. समझ में आया. अब देखना ये है साइन आई अपॉन साइन आर का मान तो हमने निकाल लिया पर क्या ये रियल में कांस्टेंट है या ये कांस्टेंट नहीं है. आपको क्या लगता है कांस्टेंट है कि नहीं है हमें नहीं इसको देख के बताओ. साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी आई हुई है वी वन अपॉन वी टू. इसको देख के बताओ आपको ये कांस्टेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है. वी वन क्या चीज है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल. वी टू क्या है. अब ये मुझे बताइए अगर पहले माध्यम में लाइट को 100 किलोमीटर चलना पड़े तो इसकी चाल कितनी होगी. पहले माध्यम में प्रकाश की चाल आपने कितनी मानी है वी वन. अगर पहले मीडियम में उसको ये 100 किलोमीटर तक भी चले जाना पड़े तो उसकी चाल कितनी रहेगी बदलेगी क्या. तो जितनी देर वो पहले माध्यम में रहेगी उतनी देर तक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल वी वन का मान नहीं बदलेगा. यानी कि उतनी देर तक V1 कैसा रहेगा. वेरी गुड. और फिर जब वो दूसरे माध्यम में आ जाएगी तो किस स्पीड से चलने लगेगी. अब अगर दूसरे माध्यम में उसको 500 किलोमीटर हम चला देंगे तो क्या उसकी स्पीड V2 से बदलकर कुछ और हो जाएगी. नहीं होगी वो तो हमेशा कैसी रहेगी. तो फर्स्ट मीडियम में V1 कांस्टेंट और सेकेंड मीडियम में V2 कांस्टेंट. और दो कांस्टेंट का जो रेशियो आएगा वो भी कैसा होगा वो भी कांस्टेंट होगा. देयरफोर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. और यही चीज तो अपवर्तन का दूसरा नियम थी. याद आया आपको अपवर्तन का रूल है. और इसको क्या बोलते थे आप याद करिए. साइन अप या पहले मैं लिख देता हूं कि यही अपवर्तन का नियम है. पहले लिख देते हैं यही अपवर्तन का नियम है. और एक चीज ध्यान दीजिए आप हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है लेकिन ये किसके बराबर होता है. आंसर ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है. तो ये किसके बराबर होगा म्यू टू वन. और पहले माध्यम का अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू टू है म्यू वन हाँ म्यू टू है तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन. और ये देखिए और देखिए एक चीज और ये जो हाइगेंस ने हाइगेंस के वेव थ्योरी की हेल्प से जो हमने अपवर्तन की व्याख्या की है ना न सिर्फ अपवर्तन की व्याख्या हुई बल्कि इससे एक चीज हमको और बड़ी अच्छी पता लगी. क्या साइन आई अपॉन साइन आर कितना होता है कांस्टेंट. आ गया अपवर्तन प्रूव हो गया. लेकिन इससे कुछ जानकारियां मिली हमने उनको भी लिया. क्या कि साइन आई अपॉन साइन आर तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या होता है अपवर्तनांक होता है. और अगर दोनों माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः म्यू वन और म्यू टू हो तो इसकी वैल्यू म्यू टू अपॉन म्यू वन के बराबर आएगी. और ये कांस्टेंट किसके बराबर है वी वन अपॉन वी टू के बराबर है.
तो हाइगेंस की वेव थ्योरी से न सिर्फ अपवर्तन की व्याख्या की गई, हाइगेंस की वेव थ्योरी से न सिर्फ अपवर्तन की व्याख्या हुई, बल्कि हमको एक और बड़ी अच्छी चीज पता लगी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर तो होता ही है। ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के भी बराबर होता है। और यही चीज शुरुआत में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको बताई थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका है V1 अपॉन V2। कुछ समझ में आ रही मेरी बात आपको? अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर यहां पर मैं दो माध्यम ले लेता हूं, एक माध्यम से लाइट ऐसे आती है और दूसरे माध्यम में ऐसे चली जाती है। पहला वाला माध्यम अगर हम वैक्यूम ले लेते हैं, पहला वाला मीडियम मैंने क्या ले लिया? वैक्यूम। और दूसरा वाला मीडियम कुछ भी मान लो, मान लिया दूसरा मीडियम हमने क्या ले लिया, दूसरा मीडियम हमने वाटर ले लिया है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? सी। वाटर में लाइट की स्पीड हमने मान लिया VW है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक किससे लिखते हो आप? μW से लिखते हो। निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक में सापेक्ष वाला सिंबल नहीं बताया जाता है, तो इसके अपवर्तनांक को हम लिखेंगे μW। और μW का मान कितना आएगा बता सकते हैं आप मुझे? इसको देखकर बताइए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। तो निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक μW लिखा जाएगा। ये किसके बराबर होगा? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, सी अपॉन जल में प्रकाश की चाल VW। दिखाई दिया आपको? ये समझ में आई बात कि अगर कभी भी आपसे कोई पूछे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक बताइए, तो आप क्या करेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन जल में प्रकाश की चाल। फिर से सुनिए, आप सुन नहीं रहे सही से। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक फॉर्मूला क्या होगा? हम सापेक्ष नहीं बता रहे हैं आपको, हम केवल क्या कह रहे हैं, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या फॉर्मूला बनाया? निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, हमने बोला कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल। अब समझ आ रहे हैं आपको? धीरे धीरे नहीं समझ में आ रही बात? और एक चीज देखिए, ये तो निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये जल में प्रकाश की चाल है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक जल में प्रकाश की चाल की विलोमानुपाती है। इसका मतलब है किसी भी माध्यम में चाल जितनी कम होगी, निरपेक्ष अपवर्तनांक उसका उतना ही ज्यादा होगा। और यह चीज भी शुरुआत में हमने बोली थी कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वो मीडियम लाइट की स्पीड को उतना ज्यादा कम कर दिया करेगा। याद आ रहा है कुछ? तो जिस मीडियम में वेलोसिटी स्पीड कम रहेगी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? ज्यादा। आप यहां से देख भी सकते हैं। तो हाइगेंस का जो वेव थ्योरी है ना, उनके जो सेकेंडरी वेवलेट्स का प्रिंसिपल था, उससे न सिर्फ हमने अपवर्तन की व्याख्या की, बल्कि एक नई चीज ये पता चली कि किसी भी माध्यम का अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको चाहिए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल कर दीजिए, आपको उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अगर आप एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी निकालना चाहते हो, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल कर लो, उससे भी आ जाएगा। अगर आप कभी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना चाहते हो, आप निकाल लो। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे निकाला जाए? जल में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल, इससे निकल आएगा। तो अपवर्तन की व्याख्या तो हो गई, अच्छा है, लेकिन ये वो जानकारियां जो हमको मिली ना, इनसे और भी बड़ा अच्छा लगा कि हाइगेंस का जो प्रिंसिपल है, उससे न सिर्फ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन इनको हमने एक्सप्लेन किया, बल्कि इनकी हेल्प से हमने एक नए नए फॉर्मूले भी पता चल रहे हैं अब तो, है ना। और अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पता लगाने में, जबकि न्यूटन में तो यहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, परावर्तन और अपवर्तन में ही दिक्कत आना शुरू हो गई थी, समझ रहे हैं। हालांकि उन्होंने उसको प्रूव किया, पर उनका जो ये नियम था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, ये प्रॉब्लमेटिक था ना, इसलिए।
और हाइगेंस ने तो परावर्तन की भी व्याख्या की, अपवर्तन की व्याख्या बड़े अच्छे से कर ली। अब बात आती है कि आगे की हम प्रॉपर्टीज लेना शुरू करेंगे, क्या उनकी भी व्याख्या हाइगेंस का वेव थ्योरी कर पाएगी, ये हम लोग चेक करेंगे। लेकिन अब इसको देखेंगे हम लोग अगली क्लास पे। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ओके, थैंक यू।